हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एंड आई एम रवि। और आज की ये जो वीडियो बन रही है, ये बन रही है मेरे क्रेटा के एलॉय व्हील्स को लेकर के। मेरे पास जो हुंडई क्रेटा है वो एक्चुअली में बेस मॉडल है क्रेटा का, डीजल मॉडल, और उसमें स्टील व्हील लगा हुआ था। तो मैंने मार्केट से एलॉय व्हील लगाया था। अब उस एलॉय व्हील की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने अपने हुंडई क्रेटा बेस मॉडल में मार्केट से एलॉय व्हील लगवाए थे। अब जो एलॉय व्हील है वो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था मुंबई से। अब उनके साथ एक टेक्निकल दिक्कत क्या है कि उसमें जो व्हील नट लगता है वो ओरिजिनल हुंडई वाला व्हील नट नहीं लगता है, ठीक है। तो वो उसमें एल्की टाइप का एक व्हील नट आता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो वो एल्की वाला जो व्हील नट होता है वो स्पेशल, उसका एक की होता है, उसी से वो खुलता है। और उस व्हील नट की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रहा है कि बीच बीच में कुछ कुछ व्हील नट जब जाम हो जा रहे हैं तो खुल नहीं पा रहे हैं, खुल नहीं पा रहे हैं सर्विस सेंटर में। तो अक्सर उनको खुलवाने के लिए या उनको कट कराने के लिए मुझे किसी वेल्डिंग मशीन शॉप पे जाना पड़ता है। और वेल्डिंग मशीन शॉप पे जाते हैं, फिर वो लोग जैसे तैसे कट करते हैं और उसके बाद उसमें वो एलॉय व्हील भी डैमेज हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि एक्स्ट्रा व्हील नट्स मंगा लिए हैं। तो मैंने जो व्हील नट्स मंगाए हैं अमेजन से, मैं उसको अभी अनपैक करूंगा आपके सामने। मैं दिखाता हूं किस तरह के वो व्हील नट्स हैं और ये एलॉय व्हील में कहाँ कैसे लगाते हैं हम, और उनके साथ टेक्निकल दिक्कत क्या है, ताकि अगर आप अपनी गाड़ी में इस तरह की मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो मेरी जैसी गलती ना करें। तो ये अमेजन का वो पैकेट है, मैंने पहले ही खोल दिया था। सो दीज आर दी व्हील नट्स। ये कोई लोकल MBK व्हील नट्स करके हैं, MBK व्हील नट्स, और इस पे MRP 1300 लिखा हुआ है, बट ये मुझे 650 का पड़ा है। अब इसमें क्या है आप देख लीजिए, ये 15 व्हील नट है, एक व्हील नट ये है 16, और ये उसका एक की है। और यही व्हील नट जो है वो क्रेटा में लगेंगे। इसका साइज भी मैं बता देता हूँ, इसका साइज अलग अलग साइज का आता है। तो ये जो साइज है ना वो 12 mm × 1.5 है। मारुति की गाड़ियों में जो है ज़्यादातर में 12 mm × 1.25 लगता है, जबकि हुंडई की ज़्यादा गाड़ियों में ये लगता है 1.5 वाला। तो वो ध्यान से देख के लेना पड़ता है, थ्रेड का साइज वगैरह देख करके। तो ये इस तरह का कुछ है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। तो ये सब तो नट्स हैं, ये एक नट है देख सकते हैं, और ये इस तरह से लगता है, और ये की जो है इसमें सेट होता है, और फिर इसको इसे घुमाते हैं, ठीक है। तो अगर ये व्हील नट कभी फंस जाए तो इसको आप खोल नहीं सकते, ये स्लिप कर गया किसी कारण से, ठीक है। तो ये इतना स्मूथ सरफेस है कि बाहर से कुछ इसमें फिट नहीं होता है, तो इसको खोलने के लिए फिर वेल्डिंग मशीन से कटवाना पड़ता है इसको, या इसमें कुछ लोहे का पार्ट को फंसा करके और फिर इसको टर्न करके जैसे तैसे खोलते हैं। इसमें व्हील भी हमारा काफ़ी डैमेज होता है। अब ये आगे का जो फ्रंट व्हील है लेफ्ट साइड का, यहाँ का भी देखिए, एक जो नट है ये मैंने कटवाया है, ठीक है ना, इस तरह का था और ये बीच से ऐसे क्रैक हो गया था, ये कटवा के निकलवाया था कि इसमें एलॉय व्हील यहाँ पूरा डैमेज हो गया, ये ऐसा यहाँ भी डैमेज हो गया है। अब ये नया वाला नट है, अब इसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो मैंने व्हील उतार दिया है, और जैसा कि मैंने बताया था ये वाला देखिए नट टूट गया है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट तो ख़रीद लिया है, ये वो नट है। तो दिस इज़ द नट, ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, बुडमो करके एक साइट है, और ये यहाँ लगेगा इसकी जगह। तो इसे मुझे सुबह में जाकर खुलवाना पड़ेगा। तो इसको फ़िलहाल बंद कर देते हैं।
तो जैसा कि मैंने दिखाया कि एलवाई व्हील में जो है वो ये वाला जो नट आता है ना हुंडई का, ये नट नहीं फिट होता है, जो ये ओरिजिनल है ओईएम। रीज़न है कि इसका अगर आप थ्रेड देखें तो थ्रेड तो ठीक है, बट इसके आगे ये जो हल्का सा पार्ट, ये जो निकला हुआ है ना, ये पार्ट ठीक है, ये पार्ट एलवाई व्हील पे जा कर के अटक जाता है। तो इन व्हील्स में वही पतली वाली जो है एलकी वाली नट्स लगती हैं। तो अभी मैं क्लास से आया, ऑफिस से, तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैं चला गया गैरेज में और वो मैंने नट जो है वो नट नहीं बोलना चाहिए, स्टड होता है, वो चेंज कराया। अब ये देखिए, दिस इज़ द स्टड जो टूट गया था, ये इधर से पीछे का हिस्सा है, ये फंसा हुआ था और इसके ऊपर ये जो नट था ना, अगर आपको दिख रहा हो, देखिए यहाँ टूटा हुआ है, ये जॉइंट होता है। तो एलवाई व्हील का ये देखिए एक नुकसान, ये फंस गया तो ये खुला नहीं, टूट गया, ठीक है। अब ये टूट गया तो मैंने अब चेंज करवा लिया है, तो नया वाला जो नट है वो अब लग गया है स्टड ऑन बोल्ट, और मेरे पास अब एक्स्ट्रा नट भी है लगाने के लिए। फिलहाल जो है अभी के लिए तो प्रॉब्लम टल गई है, बट अगर लॉन्ग टर्म में मेरे से पूछा जाए कि क्या मैं इस तरह के एलवाई व्हील सजेस्ट करूँगा, तो डेफिनेटली नॉट। और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास मेरी तरह क्रेटा बेस मॉडल है तो आप बेहतर होगा कि जो उसका नॉर्मल व्हील होता है, जो नॉर्मल स्टील व्हील होता है, उसको ही यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप खूबसूरती के लिए या और भी एलवाई व्हील के फ़ायदे हैं अगर लगवाना ही है, तो आप हुंडई का जो जेन्युइन एलवाई व्हील होता है, जो उनके अपर वेरिएंट्स में होता है क्रेटा के, वो लगवाइए। वो भी 35-36,000 में आ जाएगा आपको, 8,000-9,000 का पर व्हील पड़ता है, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि जो ये बोल्ट है, जो हुंडई के बोल्ट है, वो उसमें ईजिली लग जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताने के लिए था कि एलवाई व्हील लगाने का नुकसान भी हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए टेक्निकल ज्ञान के साथ क्रेटा के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय।